आज की इस वीडियो में गाइस बताऊंगा, अगर आप YouTube Go का इस्तेमाल करते हैं, YouTube Go एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो जब आप उसे ओपन कर लेते हैं जस्ट, तो उस पर अब आपको ऐसे लिखा आएगा। इसमें आप देखिए, स्विच टू द मेन YouTube ऐप, YouTube Go इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो क्या मतलब है, हमारा YouTube Go क्यों ओपन नहीं हो रहा, कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए, इस वीडियो में आपको बताऊँ। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि अभी जो YouTube Go का एक एप्लीकेशन है, मैं यहाँ से आपको प्ले स्टोर में लेकर चलता हूँ और यहाँ से हम YouTube Go को सर्च करते हैं। ठीक है, YouTube Go हमने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर हमें YouTube Go का एप्लीकेशन कहीं पर भी प्ले स्टोर के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। इसका क्या ये रीज़न है कि YouTube की जो कंपनी है उसने अब YouTube Go का जो एप्लीकेशन है उसे बंद कर दिया गया है। इसका कई सारे रीज़न हैं जो कि कंपनी को ही पता होंगे, बट YouTube Go का एप्लीकेशन जो है बंद हो चुका है। इस वजह से अब आपको YouTube Go की जगह YouTube एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये YouTube एप्लीकेशन है। अब आप YouTube Go के अंदर जो भी वीडियोस देखते थे वो आपको YouTube ऐप के अंदर ही देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही लिखा आ रहा है कि YouTube Go इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, मतलब YouTube Go का एप्लीकेशन अब अवेलेबल नहीं रहा है, उसे कंपनी ने बंद कर दिया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्विच का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको मेन YouTube एप्लीकेशन के अंदर जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो YouTube Go का एप्लीकेशन है अब वो बंद हो चुका है, इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अब जो है आपका मेन YouTube एप्लीकेशन ही यूज़ करना है और उसके ज़रिए वीडियो देखनी है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्यों ये चल नहीं रहा है, क्योंकि वो बंद हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।